पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने बुलंदशहर को बड़ी सौगात दी। नितिन गडकरी ने बुलंदशहर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अनूपशहर में तैयार हो रहे एसटीपी 1.5 MLD अपग्रेडेशन का लोकार्पण किया, जबकि नितिन ने बुलंदशहर गढ़ और मेरठ बदायूं 115 किलोमीटर बनने वाले 4-लेन नेशनल हाईवे का शुभारम्भ किया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में लगभग 3,450 करोड़ का खर्च आएगा। मुझे खुशी है कि नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बुलंदशहर के अनूप शहर में जो करीब 80 करोड़ रुपए खर्चा करके जो कार्य हमने किया था उसका आज लोकार्पण हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। गहलोत भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में प्रधानमंत्री पद आया तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम गंगा को अविरल और निर्मल बनाएंगे। हमने केवल गंगा में काम नहीं किया तो गंगा की जो 40 उपनदियां है, यमुना है, हिंडन है, राम गंगा है, काली नदी है, गंडक है, सभी नदी नालों पर भी हमने काम किया है। हम 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर चुके हैं, अवार्ड कर चुके हैं और मुझे खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। आज मैं उत्तराखंड में था, वहां अनेक घाटों का, मोक्ष धामों का लोकार्पण हुआ और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय कुंभ में जो भी जा रहे हैं वो स्नान करने के बाद कितना पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है, अविरल है, कि सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी तो केवल 30% काम पूरा हुआ है पर मेरा विश्वास है कि इस मार्च के बाद अगले आने वाले मार्च में हम 100% काम पूरा करेंगे, गंगा को निर्मल भी बनाएंगे और गंगा को स्वच्छ भी बनाएंगे। अविरल और निर्मल बनाकर हम 100% ये पवित्र गंगा को शुद्ध और स्वच्छ करके भारत को समर्पित करेंगे, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। हम यमुना पर 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका भी 4,500 करोड़ के काम शुरू हो रहा है। हमने आपको बताते हुए खुशी होगी पानीपत, सोनीपत, कोंडासा, हिमाचल प्रदेश सब काम पूरे कर दिए। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, इटावा, आगरा में भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो यमुना में दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक हमने जल मार्ग का DPR भी बना लिया है और मेरा विश्वास है कि आने वाले साल में दिल्ली से ताजमहल देखने के लिए हम रोड से नहीं, हम जलमार्ग से जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हम कर सकेंगे। वहीं शुभारंभ और लोकार्पण के कार्यक्रम में शिरकत करने बुलंदशहर पहुंचे नोएडा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने विपक्ष के गठबंधन को लेकर विवादित बयान दिया। मंत्री महेश शर्मा ने सपा बसपा गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर 2019 में बुआ बबुआ के गठबंधन को यूपी में सीट मिली तो लखनऊ में एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड होगा। महेश शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे वो पप्पू भाई भी PM बनने का सपना देखते हैं जो संसद में पहुंचने के बाद आंख मारते हैं। और सपने देख रही है प्रधानमंत्री बनने के, पूछो कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है तो 38 सीट पर। अगर 38 की 38 भी जीत जाए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 272 सीट। वो कहते हैं भतीजा काम आ जाएगा, 34,000 भतीजा भी 38 पर लड़ रहा, भतीजा बुआ दोनों मिलकर भी अगर एक हो जाए तो 76 सीट होगी, चाहिए 272। और जब बुआ भतीजा दोनों जीत जाएंगे तो फिर एक और गेस्ट हाउस कांड होगा दोनों के बीच में कि ये तय हो जाए कि पहले बुआ बनेगा और भतीजी बनेगा। आज ऐसे लोग सपने देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के। एक हमारे पप्पू भैया है वो भी चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री बनना। आपने भी देखा पार्लियामेंट में कैसे मसले के रूप में क्या
साथियों सियारों की लड़ाई है, गद्दारों की लड़ाई। अगर हिम्मत सामने है तो सीने में सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ो। गायों की तरह से चलते हुए हमारे फौजियों के काफिले पर हमला करना कायरता है। हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जवाब दे दिया है कि बदला लिया जाएगा। और बदला थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा लिया जाएगा। समय, जगह और कब फौज के हाथ में छोड़ दिया गया। ये फौज को खुली छूट दे दी गई है। बॉर्डर पर जहां भी वो जरूरत पड़े किसी आतंकवादी के हाथ में अगर गोली दे के हथियार देखे तो एक मौका जरूर देना आत्मसमर्पण का, और उसके बाद किसी आदेश का इंतजार मत करना, उठाकर गोली मार देना। या आपकी सरकार का आदेश हो चुका है, आपके प्रधानमंत्री जी खुले मंच पर कह चुके हैं, और वही कारण था कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बात कही है, अगर किसी ने टेलीविजन पर उनका चेहरा उनके भाव देखे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस दहशत में पाकिस्तान। धमकी भी दी है कि परमाणु युद्ध कर देंगे। भारत 130 करोड़ देशवासियों का देश है, जहां मजबूत सरकार है, जहां के फौजियों का आम बल आम ऊंचाइयों पर है, विश्व की किसी देश से बड़ी ताकत से वो टकराने की हिम्मत रखते हैं। विश्वास करिएगा और विश्वास रखिएगा कि सही सरकार के नेतृत्व